गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी व्याकरण विषय पर स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में विलोम शब्द पढ़ा था, आज हम उससे आगे पढ़ाई करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आज हम पढ़ाई करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर एक शब्द में कहना एक कला है। इससे भाषा में सरलता व स्पष्टता आती है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक शब्द एक ऐसा शब्द है जो अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। यह एक कला है और इस शब्द का प्रयोग करने से वाक्य में सरलता व स्पष्टता आती है। जैसे जो मरीज का इलाज करता है, आप सभी को पता है जो मरीज का इलाज करता है उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर। जो चिट्ठी आदि बांटते हो, जो चिट्ठी बांटते हैं उनको हम डाकिया कहते हैं। जो कभी ना मरे उसको हम अमर कहते हैं, ठीक है। देखने वाला, दर्शक। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जो ईश्वर में विश्वास करे, आस्तिक। अच्छे आचरण वाला, जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम सदाचारी कहते हैं। दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। बोलने वाला, वक्ता। जो सरलता से मिले, सुलभ। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। एक वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। विज्ञान से संबंधित, वैज्ञानिक। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। हिंसा करने वाला, अहिंसक। जो हिंसा करता हो उसको हम लोग एक शब्दों में अहिंसक कहते हैं। इस तरह से बच्चों पेज नंबर 77 में आपके लिए बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसे आपको याद करना है। और पेज नंबर 78 में आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बना लेंगे। थैंक यू।